हेलो फ्रेंड्स, और एक नया ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने अमरेंद्र। कल से शुरू होने वाला है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2021। बांग्लादेश की ढाका में ये मैच खेला जाने वाला है, जिसमें एशिया महादेश की 5 टीम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान और कोरिया। तो अभी ये जो बांग्लादेश की ढाका मौलाना वासिन इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, वहीं पर खेला जाएगा मैच। उसकी सभी प्रकार की प्रस्तुति हो चुकी है, सभी टीम पहुंच चुके हैं बांग्लादेश की ढाका में, और कल खेला जाएगा पहला मैच भारत और कोरिया के बीच। लेकिन उसी के बीच सभी प्रकार की प्रस्तुति हो चुकी है। मौलाना वसीन इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम प्रस्तुत है, जिसमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खेले जाने वाला है। 5 देश मौजूद है। बांग्लादेश में 100 से अधिक प्लेयर हैं। 14 मैच खेला जाने वाला है और 9 दिन के लिए यहीं पर एक हॉकी का महोत्सव जैसे होगा। तो सारा एशिया महादेश की हॉकी प्रेमियों ने उसी पर नगर गाड़े हुए हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन बनेगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का विनर, ये भी बात आप जानते होंगे। इससे पहले 2018 में जब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, उसमें पाकिस्तान और इंडिया ने जॉइंटली विनर बने थे। तो इस बार कौन होगा विनर, उसी के ऊपर सभी की नज़र है। लेकिन हॉकी प्रेमी जो है वो हॉकी के लुप्त हटाना जानते हैं, हॉकी से मजा लेना जानते हैं। तो सोचा कि ऐसे वीडियो एक बना दूं जो ओवरऑल एक आइडिया हो जाए। तो फिर से और एक बार, कुछ दर्शक पूछ रहे थे कहां पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा, तो इससे ये वीडियो से पहले आपको मैं बता दिया था लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर होगा। तो फिर से और एक बार आपको बता देता हूँ, ये लाइव स्ट्रीमिंग होगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और डिस्नी हॉटस्टार पर। तो जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, वही दो नेटवर्क पे अपने लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए व्यवस्था कर लें तो अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रही होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा अमरेंद्र लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।